फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए मैंने 8 नंबर की सिलाई ली है और ये 3 कलर की ऊन ली है। तो पहले हमें फर्स्ट कलर से फंदे डालने हैं, तो मैं फंदे डाल के आपको बताती हूँ। आप किसी तरह भी फंदे डालते हैं, वैसे ही जो भी आपका तरीका है फंदे डालने का, उस तरह से फंदे डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे डाल रही हूँ, पहले एक फंदा ऐसे नॉट से बना रही हूँ। एक फंदा बनाया और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह फंदे डालने हैं फ्रेंड्स। और फिर एक सिलाई पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेनी है। फंदे डालने के बाद एक सिलाई पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेनी है, फिर उल्टी साइड से हम डिजाइन शुरू करेंगे। तो जैसे मैं ये फंदे डाले हैं, वैसे मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तो फंदे डालने के बाद एक सिलाई ये उल्टी बना दी है। तो उल्टी बनाने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से शुरू करेंगे तो फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी बनानी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कलियाँ मैंने बना ली हैं। 2 कलियाँ मैंने ब्लू और क्रीम कलर को मिला है, और इसमें ये पर्पल और क्रीम कलर को मिला के बनाया है। तो एक कली इस कलर की बनाई है, एक कली इस कलर की, फिर एक कली इसी कलर से बनानी है। तो हर कली के बाद कलर चेंज करना है। तो 2 कलियाँ हमारी बच गई हैं, 12 कली का डिजाइन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये सारी कलियाँ कैसे बनाई हैं। तो फंदे डालने के बाद उल्टी सिलाई बनाई थी, उसके बाद हमें यहाँ कलर चेंज करना है। और कलर चेंज करके ये पूरी सिलाई उल्टी बना देनी है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर लगा सकते हैं, और साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। पुरानी साड़ी पुरानी चुन्नी के 1 इंच की पट्टी काटनी है और उससे भी आप डोरमेट बना सकते हैं। अब इधर हमें क्या करना है, ये सीधी साइड है, सीधी साइड में हमें यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। जैसे हमने यहाँ ये एक एक फंदा इधर बढ़ाया है, तो वैसे ही यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। तो धागे को ऐसे सिलाई में लपेटना है, ऐसे ऊपर से लेके इधर से लेके एक फंदा हो गया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे उल्टे बनाए और ये 2 फंदे यहीं छोड़ देने और यहीं से फिर वापस पलट जाने हैं। तो 2 सिलाइयाँ हमारी एक कलर से बनेंगी और 2 सिलाइयाँ दूसरे कलर से। फिर यहाँ ब्लू कलर लगाना है, उल्टी सिलाई में कलर चेंज करना है और सारी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, केवल कलर चेंज करना है। और सीधी साइड एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट में 2 फंदे छोड़ने हैं। फिर सीधी साइड है, यहाँ एक फंदा बढ़ाना है और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बनाए, 2 फंदे फिर यहीं छोड़ दे और यहीं से वापस पलट जाने हैं। फिर यहाँ हमें कलर चेंज करना है और कलर चेंज करके पूरी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेनी है।
उल्टी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर लिए। फिर यहाँ सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है और ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह फंदे बनाए उल्टे बुने और दो फंदे फिर छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे। फिर यहाँ हमें कलर चेंज करना है, कलर चेंज करके सारी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ाया, ऐसे धागे को सिलाई में लपेटा और ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदे बनाए दो फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट जाने हैं। फिर यहाँ हम कलर चेंज करेंगे और सारी सिलाई को उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। इस धागे को ऐसे खींचते रहना है, नहीं तो हमारे यहाँ गैप आता है। तो इस तरह फ्रेंड्स, इधर एक एक फंदा बढ़ाते हुए हमने चार फंदे बढ़ा लिए हैं और यहाँ दो चार छः आठ फंदे हमने दो दो करके चार बार छोड़ दिए हैं। अब हमारे पास 16 फंदे थे तो आठ फंदे हमने छोड़ दिए हैं, फिर दो चार छः आठ फंदे हमारे पास बचे हैं, आठ आठ 16 फंदे और चार फंदे हमारे एक दो तीन चार फंदे ये ऐसे बढ़ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो आठ फंदे हमारे पास बचे हैं उन्हें भी दो दो करके छोड़ते जाना है और ये चार फंदों को हमें अब कम करना है। आठ फंदों में तो हमें फंदे बढ़ाने हैं और आठ फंदे छोड़ने में हमें फंदे घटाने हैं। तो यहाँ दो का एक करना है तो हमारा एक फंदा यहाँ कम हो जाएगा और बाकी फंदे उल्टे बनाने हैं। तीन हो गए, चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे बनाए फिर दो फंदे यहीं छोड़ दिए और यहीं से फिर वापस पलट जाना है और उल्टी सिलाई में फिर कलर चेंज करना है और बाकी फंदे कलर चेंज करके उल्टे बुन देने हैं और इस धागे को भी ऐसे थोड़ा टाइट करना है। फिर सीधी सिलाई में दो फंदों का एक करना है तो एक फंदा फिर हमारा इस सिलाई में कम हो जाता है। तो इस तरह हमारे दो फंदे यहाँ कम हो गए हैं। फिर ये एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदे बनाए और दो फंदे फिर छोड़ दिए, फिर यहीं से वापस पलट जाना है। कलर चेंज करके एक दो छः छः फंदे उल्टे बना दिए। फिर सीधी साइड में यहाँ एक फंदा कम करना है तो एक फंदा हमारा कम हो गया, ये एक दो तीन, फिर यहीं से दो फंदे छोड़े और यहीं से वापस पलट जाना है और इन तीन फंदों को कलर चेंज करके बुन देना है, एक दो तीन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये दो दो करके हमने बाकी फंदे छोड़ दिए हैं, अब हमारे पास ये तीन फंदे बचे हैं। तो यहाँ हमें एक फंदा कम करना है और दो फंदे छोड़ने हैं, तो दो फंदों का हम एक कर देंगे और इस फंदे को भी अब ऐसे बुन देंगे। सॉरी, वह हमारे पास ये इतने फंदे बचे हैं, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह, सोलह फंदे हमारे बच गए और चार फंदे हमने कम कर लिए। तो अब क्या करना है, जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के ये सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। दो फंदे हमें इस कलर से बनाने हैं, एक उतारा और ये दो, फिर धागे को पीछे किया और क्रीम कलर को आगे लाए, दो फंदे क्रीम कलर से, एक दो, फिर क्रीम कलर को पीछे लेके ब्लू कलर को आगे लाना है, दो फंदे ब्लू कलर से बना देने हैं, फिर दो फंदे क्रीम कलर से, फिर धागा पीछे करके ब्लू कलर को आगे लाना है और ब्लू कलर को ब्लू कलर से बुन देना है। तो इस तरह जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट करना है।
तरह फ्रेंड्स हमारी ये एक कली यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें ये वाला कलर लगा के दूसरी कली बनानी है। तो पहले पूरी सिलाई हम इस कलर से बनाएंगे, जो कलर हमने चेंज करना है उस कलर से हमें सारी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था वैसे ही अब ये कली हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले जैसे फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी बनानी थी, जैसे हमने यहाँ एक सिलाई उल्टी बनाई है, तो इस सिलाई को भी हम उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये दूसरी कली शुरू होती है। दो फंदे दो सिलाई उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ हमें फिर से क्रीम कलर लगाना है। इस कलर के साथ भी हम सेकंड कलर क्रीम कलर लगाएंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ से हमारा फिर डिजाइन शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसे एक फंदा सिलाई पे धागा लपेटा तो ऐसे हमारा एक फंदा बढ़ गया और बाकी के फंदे उल्टे बुन देने हैं और लास्ट में दो फंदे छोड़ देने हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो सिलाई सॉरी यहाँ दो फंदे छोड़ने हैं और यहीं से वापस पलट जाने हैं। फिर यहाँ कलर चेंज करना है तो इस कलर को हम यहाँ लगाएंगे और दो सिलाई इस कलर दो दो सिलाई हमें दोनों कलर से बनानी है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जैसे हमने ये कली बनाई है दो दो फंदे इधर छोड़ते जाने हैं और यहाँ एक एक फंदा बढ़ाना है। तो जब हमारे पास चार फंदे इधर बढ़ जाएंगे और यहाँ से दो चार छः आठ फंदे हम छोड़ लेंगे, फिर हमें क्या करना है, जब हमारे पास आठ फंदे बच जाएंगे और चार फंदे बढ़ जाएंगे तो फिर उन आठ फंदों को भी हमें छोड़ना है, लेकिन जो फंदे हमारे बड़े हैं उन्हें एक एक करके हमें ऐसे कम करते जाना है। जैसे कली बनाई है वैसे मैं ये कली कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये कली भी मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, उल्टी सिलाई में सारे फंदे बंद कर देने हैं। तो हमें ये कलर लगा के सारे फंदे बंद करने हैं। तो दो का एक करते हुए ऐसे दो फंदों को हमें एक साथ बुनना है तो हमारा एक फंदा यहाँ कम हो जाता है। फिर इस फंदे इस धागे को इस फंदे को इस सिलाई में लेके एक फंदा यहाँ से लेके इन दो फंदों का एक कर देना है, फिर इस फंदे को वापस लेना है, फिर दो फंदों का एक। तो इस तरह सारे फंदे बंद करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि सारे धागे हमें कट कर देने हैं। ये सब धागे हमें कट करने हैं और फिर उसके बाद इन कलियों को ऐसे इस कली को यहाँ इस कली के साथ यहाँ से यहाँ तक और ऐसे इसे जोड़ देना है। आप चाहें तो यहाँ पम पम भी लगा सकते हैं या इसकी यहाँ से और ऐसे सिलाई कर सकते हैं। तो मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने इस पैदान की सिलाई कर दी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसकी सिलाई कहाँ की है। बहुत ही सुंदर पायदान बन के आया है फ्रेंड्स। तो आप भी ये डोरमेट डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।